मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गांधी शास्त्री जयंती पर दोनों महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम शिवराज ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पर मुख्यमंत्री निवास में पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री चौहान ने गांधी भवन में राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर पुष्प हार चढ़ाकर नमन किया। इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार आज भी विश्व के लिए उपयोगी हैं। उनके विचारों और दर्शन में कई समस्याओं का समाधान भी छिपा है। चौहान ने कहा कि आज हम गांधी जी को तो मनाते हैं, लेकिन गांधी जी गांधी की नहीं मानते। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का जो मार्ग दिखाया, आज उसका अनुसरण करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि हम किसी अन्य को विवश तो नहीं कर सकते, लेकिन खुद किसी शिक्षा का अनुपालन और उसके अनुसार अपना आचरण कर ही सकते हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि शास्त्री जी थोड़े समय के लिए प्रधानमंत्री बने, लेकिन उन्होंने राष्ट्र को अहम सेवाएं दी। शास्त्री जी का मंत्र जय जवान जय किसान आज भी प्रासंगिक है।